अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको सुभान अल्लाह कहने की फजीलत बताएंगे। इससे कबल एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि हज़रत मौसब बिन साद रदी अल्लाहु अन्हों से रिवायत है, उन्होंने कहा मुझे मेरे वालिद साद इबन अबी वक्कास ने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपने फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज़ है कि हर रोज़ 1000 नेकियाँ कमाए। आपके साथ बैठे हुए लोगों में से एक ने पूछा हम में से कोई शख्स 1000 नेकियां किस तरह कमा सकता है, तो आप हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो 100 बार सुभानअल्लाह कहे उसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाएंगी और उसके जो हैं वो 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। सुभानअल्लाह। और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा नहीं तो दिन में कम से कम 100 मरतबा सुभान अल्लाह कह लिया करें, तो आपको भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1000 नेकियां मिलेंगी और 1000 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर ये हदीस आपको अच्छी लगी है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, इसलिए कि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी मुसलमान भाई के गुनाह माफ़ हो जाएं और आप भी सवाब के मुस्तहिक हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम।